आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। हेलो, परम पूज्य आरिका रक्षवासी पूर्णमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की, महिला मंडल बीच में बैठ जाएं। श्रीमद कुंद कुंद महाराज ने आचरण की दृष्टि से मूलाचार ग्रंथ की रचना की, पर्याय की दृष्टि से प्रवचन सार महाग्रंथ राज की रचना की, साधना की दृष्टि से नियम सार ग्रंथ की रचना की और द्रव्य दृष्टि से समय सार ग्रंथ राज की चर्चा की है। अद्भुत ग्रंथ लिखा है, हम जीवों को पतित से पावन बनाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, पतन से उत्थान की ओर ले जाने के लिए। ये कुंद कुंद महाराज इस महान ग्रंथ राज में बहुत गहरी गहरी बातें बता रहे हैं, जो कभी सुनी नहीं थी, जो कभी जाना ही नहीं था, देखा ही नहीं था। ऐसे अद्भुत अनुपम निज शुद्धात्म द्रव्य की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैसे जिए कि जीवत्व की अनुभूति हो। ध्यान से सुनिएगा, कैसे जिए कि जीवत्व की अनुभूति हो और कैसे मरे कि अमरत्व की अनुभूति हो। इतनी सी बात में तो सब कुछ समाहित हो गया। हे चेतनात्माओं, तुम किस तरह जियो कि जिससे तुम्हें जीवत्व की अनुभूति हो, तुम्हें धनत्व की बात समझ में आती है, प्रतिष्ठा की बात समझ में आती है, तुम्हारी प्रसिद्धि की बात समझ में आती है, शरीर के रूप की बात तुमको समझ में आती है, इसका महत्व आता है तुम्हें, शरीर के स्वच्छत्व की बात समझ में आती है कि मैं गंदा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या कभी इस जीवन में जीवत्व की अनुभूति हुई कि मैं जीव हूँ, मैं जी रहा हूँ? क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है कि बिना श्वासोच्छ्वास के भी तू जी सकता है। मात्र चैतन्य प्राण से जीने वाला तू चैतन्य तत्व है। क्या बात है, अनंत सिद्ध भगवंत बिना श्वास के जी रहे और सच में वो ही जी रहे हैं। जीना उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने जीना बना दिया, सोपान सीढ़ी बना दी। वाह, उनका जीवन अनुकरणीय हो गया, अनुसरणीय हो गया। पर द्रव्य की महिमा आ रही है, पर की अनुभूति गहराई से करना चाहता है, कर नहीं पाता। करेगा तो अपनी ही ज्ञान की अनुभूति ही करेगा, ये बात तय है। 24 घंटा यह जीव अपने ज्ञान की ही अनुभूति कर रहा है। अभी आप क्या अनुभूति कर रहे हैं? अपने ही ज्ञान की। अब ये बात अलग है कि मात्र ज्ञान की अनुभूति नहीं कर रहे, ज्ञान प्लस मोह राग द्वेष इन सबको जोड़ करके। जुड़ता नहीं, स्वभाव तो ऐसा है कि ज्ञान में कभी जुड़ता ही नहीं पर द्रव्य, एक परमाणु भी जुड़ता नहीं, लेकिन मान्यता है, मान लिया है, घर मेरा है, माता जी आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है, चार घर हैं, 8-10 जमीनें हैं अहमदाबाद में आपके आशीर्वाद से। मुझे बहुत पीड़ा होती है, उस वक्त मैंने कहा, सोचा मन ही मन, मैंने कब तुम्हें आशीर्वाद दिया परिग्रह जोड़ने का, एक कबाड़ा इकट्ठा करने का मैंने कब आशीर्वाद दिया, भाई तू मुझे तो कम से कम मत जोड़। वो ये सोचता है कि माता जी बड़ी खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं तो जानती हूँ गुरुदेव की कृपा से इतना मुझे पता चल गया है कि ना मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ, ना कोई मुझसे कुछ ले सकता है, ना कोई मुझे दे सकता है, कुछ नहीं, ये मर्यादाएं हैं। पर ग्रह में मेरा कुछ चलता ही नहीं है, पर द्रव में मेरा कुछ चलता ही नहीं है,
पर तत्व में मेरा कुछ चलता ही नहीं है, मेरा क्या किसी का भी नहीं चलता। अनंत वीर्य के धनी तीर्थंकर भगवंत कहते हैं कि मेरा भी पर द्रव्य में कुछ भी नहीं चलता, तो तुम क्या चलाओगे? जब महाशक्तिशाली अनंत वीर्य के धनी कहते मेरा भी पर द्रव्य में किंचित मात्र भी नहीं चलता, अगर चलता होता तो तुम सबको ऐसा दुखी रखता क्या? मैं मुझ जैसा सर्व सुखी बना देता, अनंत सुखी बना देता, कोई दुखी नहीं रहता संसार में, सर्व सुखी हो जाते। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को किंचित भी उपादान दृष्टि से कुछ नहीं दे सकता, और जो उपादान में वर्तता है वही हमारी प्रवृत्ति में वर्तन हो रहा है, वही हमारे परिणामों में चल रहा है। मतलब हमारा जीवन का उत्थान हमारे ही हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। नहीं माता जी, अब तो हमें आप आ गए, बस हमारा तो उत्थान हो जाएगा। बैठे रहो भरोसे पे, कुछ नहीं होने वाला। ना गुरु कुछ करेंगे, ना प्रभु कुछ करेंगे। वो यही बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात बता दी हमारे प्रभु ने और तुम्हारा भ्रम तोड़ दिया, तुम्हारा जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है उसे ही हटा दिया। पर आप हटना ही नहीं चाहते, आप मिटाना ही नहीं चाहते। उन्होंने इतनी बड़ी जबरदस्त बात बता दी कि मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। षट दर्शन पढ़ते हैं, चाहे नॉन जैन भी हो वो भी यही कहेगा, भाई आप जैन है ना? हाँ, जैन का मतलब है कि आप ईश्वर कर्तृत्व नहीं मानते, ईश्वर कर्ता नहीं है ये, आप मानते हैं कि ईश्वर कभी कर्ता नहीं है। जब ईश्वर कर्ता नहीं है तो क्या कोई अन्य सामान्य जीव कर्ता है? जब इतनी बड़ी हस्ती वाले, सिद्धों की बस्ती में रहने वाले, अपने ज्ञान की मस्ती में रहने वाले, वो जब कुछ नहीं कर सकते तो तुम क्या करोगे? क्या औकात है तुम्हारी? क्या हस्ती है तुम्हारी? क्या क्षमता सामर्थ्य है तुम्हारी? कुछ भी नहीं, नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते? दीनहीन मत बनो, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते। ये वस्तु की मर्यादा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मान्यता ऐसी ठसी पड़ी है कि दिन रात ये मिथ्या मान्यता तुम्हारे भीतर के प्रभु का दर्शन तुम्हें नहीं करने देती है। ये मोह की दीवारें मिटती नहीं है, टूटती नहीं है। अगर मोह की दीवार, दर्शन मोह की दीवार अगर ढह जाए तो आचार्य कहते हैं तुझे श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मुझ में भी वो अनंत शक्तियाँ हैं, और अनंत संसार का छेद हो जाएगा, संसार के भटकन का विनाश हो जाएगा। बस इतना सा करना है कि दर्शन मोह की मिथ्यात्व की दीवार को तुझे तोड़ना है, भेद ज्ञान के शस्त्र के माध्यम से, तत्व ज्ञान के शस्त्र के माध्यम से बस इसको तोड़ना है, इसको हटाना है, इतना ही करना है। हट नहीं पाती, क्यों? दीवार हमने बनाई है। पुराने लोग घर बनाते हैं ना, तो फिर वो मिटाना नहीं चाहते। बेटा कहता रहता, बहू कहती रहती है, माँ घर टूटने लगा है, पानी गिरने लगा है, हाँ जगह जगह से पानी छूता है, अब तो छोड़ो इसको, नया बनाने दो। नहीं, मेरे रहते तो तू इसको तोड़ ही नहीं सकता। मान्यता पड़ी है, मेरा बनाया गया, मैंने सोचा, मेरी विपरीत मान्यता। अगर विपरीत मान्यता उसको समझ में आ जाए तो वो तोड़ दे, लेकिन नहीं तोड़ता। माना कि गणित में होता है ना, माना कि हाँ 1000 में 5 वस्त्र आते हैं, 5 साड़ी आती हैं। बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, है ना? हाँ, 10,000 में 5 साड़ी आती हैं तो 1 में कितनी आएंगी? 5/10,000। तो 100,000 में कितनी आएंगी? 2 लाइनें तो फोकट की है। माना कि माना है भैया, है नहीं वास्तव में, पर क्या करो, इसके बिना तो गणित ही हल नहीं होता। तीसरी पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हमें चाहिए, जो उत्तर चाहिए वो महत्वपूर्ण है, लेकिन 2 लाइनें तो मानने में चली जाती है, और तुम्हारी जिंदगी पूरी मानने ही मानने में चली गई। एक नहीं, अनंत अनंत जिंदगी मानने में चली गई। मान लिया,
लेकिन हुआ कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ, अंदर के सुख की झलक ही नहीं पड़ी। सोचो परग्रह में हमारी चलती नहीं, फिर भी चलाने की कोशिश बहुत करते। कई लोग होते हैं ना जिनका काम ही यही रहता है, रोटी खा लिए पचती तो है ही नहीं, क्या करें पचाने के लिए। तुम्हारी बहू क्या करती है, कैसे करती है, हाँ तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम्हारी बिटिया का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कराओ वैसा कराओ, दुनिया भर की बातें। पर एक दिन कोरोना में कई ऐसे लोग बीमार पड़ गए बेचारे, क्योंकि अब तो बातें ही नहीं होती, करे क्या, हो बड़ी परेशानी में आ गए थे लोग। अब क्या होगा, खाना ही नहीं पचता था, बीमारी हो गई अपच की, क्योंकि जब दिन भर बातें करें तो उनको भोजन पच जाता था। अपनी सोच, अपने दुर्विचार से व्यक्ति जीवन यो ही मिटा देता है, कर्मों का बंधन करता है। चलती नहीं है कुछ भी, फिर भी चलाने की कोशिश करता है। मानता कौन है, खुद का बेटा नहीं मानता, दूसरे बेटों को मनाने के लिए जा रहे, खुद की बेटी का ठिकाना नहीं और दूसरों की बेटियों को मनाने के लिए जा रहे। लेकिन मजा आता है दूसरों को मुफ्त में सलाह देना। लोग भी सोचते हैं चलो देने दो, उसकी तो आदत पड़ गई, वो बोलेगा ही बोलेगा, वो चुप रहने वाला नहीं है। इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। सोचो तुम्हारी बहू अपने घर को तो न संवारे और पड़ोसी के घर पे जाकर के उन्हीं का धंधा देखे, उन्हीं का घर संवारे, उन्हीं का पालन पोषण करे, तो आपको कितना बुरा लगेगा, लगेगा ना। ऐसे ही चेतना माँ को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि तू क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, दूसरे के घर को संवार रहा है, पुद्गल ही पुद्गल को संवारने में लगा है, अपने जीवंत जीव तत्व के इस ग्रह को, अपने शुद्ध जीवत्व घर को तू संभालता नहीं है, और तू क्या कर रहा है, अनंत काल बिता दिए पुद्गल ही पुद्गल को संवारते, 24 घंटा किसको संवारते हो, पुद्गल को खिलाते, पुद्गल के लिए पिलाते, सुलाते, बोलो ना, पुद्गल के लिए नहलाते, कमाते किसके लिए, पुद्गल के लिए कि आत्मा के लिए, बताओ बोलो, पुद्गल ही पुद्गल के लिए, उसी के लिए 24 घंटा समर्पित कर दिया है। क्या दुर्दशा है इस जीव की, जो अपना नहीं है उसके लिए पूरा समय समर्पित कर दिया। ओहो हमारी चलती नहीं, हमारी चलेगी तो हमारे घर में ही चलेगी, पर क्या करे घर में तो उसकी चलती नहीं है, तो बाहर के घरों में चलाने की कोशिश करता है। एक आध कोई दमदार होता है तो कह देता है कि पहले अपने घर में चलाओ फिर समाज पे चलाना, जाओ बैठो चुपचाप, घर का ठिकाना नहीं और आ गए समाज को चलाने के लिए। बात बड़ी विचारणीय है कि यह व्यक्ति अपने घर में तो चलती नहीं और घर में चलती नहीं देख करके दूसरों के घरों में चलाने की कोशिश करता है। अगर तुम्हारी चलेगी तो तुम्हारे चेतन ग्रह में ही चलेगी और अपने भावों पर ही तुम्हारा अधिकार चलेगा और कहीं नहीं, भावों पर, कर्मों पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं चलेगा। जो कर्म बंध गए हैं, सत्ता में पड़े हैं, उस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं कि आप उठा करके उसको निकाल दे, नहीं निकाल सकते। आपका तो मात्र वर्तमान भाव के ऊपर ही अधिकार चलता है। और आचार्य कहते हैं जिसने वर्तमान के भाव सुधार लिए उसका भूत भी सवर जाएगा और भविष्य भी सुधर जाएगा। वर्तमान मेरी मुट्ठी में है, वर्तमान में भाव को निर्मल कर दिए, पापों का पश्चाताप कर लिया, रे आत्मन तूने कितने कितने पाप किए, क्या मिला तुझे, उन पाप भावों से कुछ नहीं, सिर्फ बदनामी, जीवन कलंकित हुआ है, और अपने पापों का पश्चाताप करना शुरू कर दिया सच्चे मन से, भावों के भगवान के सामने गदगद भावों से, आंखों में आंसू आ रहे हैं, वाणी गदगदयन वपुः पुलकयन नेत्र द्वयम् श्रावयन, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अभी तक तो दूसरों की भूल निकालता था लेकिन आज स्वयं की भूल पकड़ में आ गई। कहते हैं ना गुजराती माँ कहे छे कि बीजानी भूल काढ़वा माटे भेजू जोईए, पण पोतानी भूल काढ़वा माटे कळीजू जोईए। हाँ
कलेजा चाहिए स्वयं की भूल निकालने के लिए। अगर हृदय पवित्र नहीं है तो तुम्हें अपनी भूलें समझ में नहीं आएगी। हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम अभी तक पर समय ही रहे, पर समय ही रहे। नहीं माता जी, हम तो अपने लिए बहुत टाइम देते हैं, धन कमाते हैं, हमारा तो टाइम ही मनी है, समय ही धन है। परिवार के लिए देते हैं, अपनों के लिए देते हो, अपने लिए नहीं। ध्यान देना, अपने लिए तुमने क्या दिया बताओ आज तक? बच्चे को बोलती हो ना, तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। हाँ, हर चीज दी, धन दौलत दिया, कार दी, ये दिया, घर दिया, बोलते हैं ना आप लोग। तो तुम्हारा भीतर में युद्ध चल रहा है, स्वयं का नाथ, निज नाथ कह रहा है, क्या दिया तुमने मुझे, क्या दिया बताओ? कभी अकेले में वार्ता करो ना बैठ करके कि मैंने अपने आप को क्या दिया, क्या दिया? कुछ नहीं, सिर्फ कर्मों का बंधन दिया, घोर संसार में भटका दिया, अनंत दुखों का अंबार लगा दिया। और अभी भी तैयार हैं दुखों की ओर जाने के लिए, दुर्गति में जाने के लिए उत्सुक है, अभी भी उत्सुक है। अभी भी धर्म कार्य, श्रेष्ठ कार्य अच्छा नहीं लगता। दुनिया के विषय भोगियों को देख करके, अरे भाई आजकल तो सब चलता है, चल गए उसके साथ में। तो आचार्य कहते इस काल के अधिकांश जीव मर करके नरक और तिर्यंच गति में जाएंगे, और वहां से अधिकांश जीव आएंगे। और ये देख रहे हैं हम, भावों में वो विशुद्धि नहीं है, वो संस्कार नहीं दिखाई देते। तो अब हमें ये ठानना है कि हम कैसे जिए कि मुझे जीवत्व की अनुभूति हो, मैं जीव हूं, हूँ जीव छू, मैं जीव हूं, हूँ आत्मा छू, मैं आत्मा हूं, इसकी अनुभूति मुझे हो। और कैसे मरे? अगर जियोगे तो मरोगे भी अच्छे से। जो अच्छे से जी नहीं पाता वो अच्छे से मर भी नहीं पाता। तो जियो इतने अच्छे से कि मरण भी बहुत अच्छे से हो, और मर के भी अमरत्व की अनुभूति हो कि मैं मरने वाला तत्व नहीं हूं, मैं तो कोई अजर अमर अविनाशी तत्व हूं, ध्रुव हूं, मेरा कभी भी मरण नहीं होता। एक समय जब हम खुरई में थे, वहां पर एक वृद्ध दादा को हमारे पास में लाए, बस अंतिम अंतिम सांसें गिन रहे थे, पर वो बहुत चेतना में थे, बहुत भोले परिणामी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था, वृद्ध थे। वहां हमारे पास में लाए, बस उनको मरण से भय था, बहुत भयभीत हो रहे थे और चेतना में थे, बहुत अच्छे से सुन रहे थे। उनकी भावना थी कि मुझे माताजी के पास में ले चलो, हमारा चतुर्मास का काल चल रहा था। जब आए तो हमने उनसे सिर्फ इतना कहा, दादा तुम चेतन आत्मा हो, कभी भी मरते नहीं हो, तुम कभी मर ही नहीं सकते, पहले भी तुम थे, अभी भी तुम हो, आगे भी तुम रहोगे, बस शरीर अलग होता है, तो अपने को क्या लेना देना शरीर से है, वो अपना तो था ही नहीं वैसे भी, वो तो हर बार अलग अलग मिलता है और मिटता है। इतनी सीधी सरल तरीके से बात करी, उनकी आंखों में चमक आने लगी, आपने बहुत अच्छी बात कह दी, मैं मरता ही नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो अजर अमर हूं, फिर मुझे किस चीज का दुख, किस चीज की पीड़ा, क्या चमक आई। और अंतिम उन्होंने तेजी से श्वास ली और इस भावनाओं के साथ में उनका प्राणांत हो गया। वाह, ये बात होती है, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो जीवन ही बदल जाए। आचार्य भगवान कहते हैं कि कहां तू रत्न द्वीप में आया है चेतन, और पत्थर ढेले इकट्ठे कर रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो दिन भर बताओ? रत्न द्वीप में आए हैं, जैन कुल में आए हो, मतलब रत्न द्वीप में आए हो, अद्भुत रत्न द्वीप है यहाँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मा को देखो, आत्मा को जानो और आत्मा में ही रमो। जीवादि सद्धर्णम सम्मतम तेसी मधिगमो नाणम रागादि परिहरणम चरणम चारित्रम। ये तीन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी में क्या बांधते हैं? देख भाल कर चलो, क्या बात कही है, मूक माटी तो श्रवण करने योग्य है। क्या लिखते हैं आचार्य जी? देख भाल कर चलो, आ गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों आ गए। देख सम्यक दर्शन, भाल कर सम्यक ज्ञान,
चलो सम्यक चारित्र। वाह क्या बात है, इतना ही तो है। माँ कहती है ना कि बेटा देखभाल कर चलो, नहीं चले थे इसलिए तो गिर गए, चोट लग गई तुम्हें। माँ जिनवाणी भी यही कहती है, बेटा अनंत काल से देखभाल कर नहीं चले ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं अपनाया ना, इसीलिए चारों गतियों के दुखों की ठोकरें खा रहे हो। हाँ देखभाल कर चलो, कितनी अच्छी मीठी वाणी है माँ जिनवाणी की, और वो हमें समझाती है। पर हम कहते तो हैं ऐसा ही कहते हैं, बहुत अच्छा रत्नत्रय, बहुत अच्छा लगता है, गाथाएं भी पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन वो बात भीतर में अनुभव में नहीं आती। कथनी और करनी में बहुत अंतर हो जाता है। एक बार राजा भोज ने सभासदों से पूछा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अंतर किसका किस में है, सबसे ज्यादा अंतर किसका किस में है। सभासदों ने उत्तर दिया, किसी ने कहा स्वर्ग का नरक से बहुत अंतर है, किसी ने कहा वहां जाने की क्या जरूरत है, यहीं देखो ना कश्मीर से कन्याकुमारी का कितना लंबा चौड़ा अंतर है। सबने अपना अपना विषय दिया, लेकिन वहां पर जो धनंजय कवि बैठे हुए थे उन्होंने कहा, राजन मैंने जो अभी तक समझा है वो अंतर तो कथनी और करनी में सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा अंतर है। इसे पाटना बहुत मुश्किल है, कथनी और करनी का, जो आज तक यह जीव अज्ञानता से कर रहा है। कथनी में कुछ, करनी में कुछ, कथनी और करनी में, जुबान में, जुबान में और करने में बहुत अंतर रह गया। इसलिए इस फासले के कारण से हम अपने लक्ष्य को, गंतव्य को आज तक हासिल नहीं कर पाए। तो अब हम क्या करें ऐसा जिससे कि हमें अपने अपना लक्ष्य मिल जाए। तो आचार्य कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे पास में तीन चीज़ें हैं, अभी तीन चीज़ों के पिंड हो वर्तमान में, देह, जीव और इन दोनों को इकट्ठा करने वाला कर्म। ये तीन चीज़ें हैं, देह, जीव और ये दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग। दोनों का स्वभाव भी अलग है, जाति भी अलग है, काम भी भिन्न भिन्न है, गुण भिन्न भिन्न है, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा किसने कर दिया? कर्म ने। तो दोष किसका है बोलो? छूट गए ना फिर से आप लोग, कर्मों का दोष है, हमारा थोड़ी ना कोई दोष है, हमने क्या किया? और भजन में भी गा लेते हैं ये तो सब कर्मों का दोष है, हमने कछु ना ही कियो जी, ऐसा कुछ बोलते हैं ना आप लोग स्तुति में, हमने कुछ ना ही कियो जी, हमने कुछ नहीं किया तो सब कर्मों का दोष है। वाह, दोष देने की आदत तो तुम्हारी बहुत पुरानी है, दूसरों को दोष देने की आदत अब यहां तक भी आ गए। धर्म कार्य करने लगे तो किसको दोष दे दिया? कर्मों को। भाई कर्म कोई और है क्या? वो तेरे ही किए हुए हैं, तूने ही कर्म किए हैं, तेरा ही दोष है, उसको मान ले भाई, मान ले। और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल तेरे सामने आता है, ये निश्चित बात है। इसलिए कर्म अच्छा कर। क्या करूं? बस एक ही काम करना है कि अपने घर में आ जा, बाहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, हाँ गोलियां दाग रहे हैं बाहर में, इसलिए निज घर में आ जा चेतन, बाहर में लूटपाट है, लड़ाई झगड़े हैं, विवाद है, इसलिए निज घर में आ जा। कभी नहीं आया निज घर, देखा ही नहीं तूने, तो तुझे कैसे पता चलेगा? और हमारा ये बिल्कुल शर्त है, हम वादा करते हैं कि एक बार अगर तू निज घर में आ गया फिर पर घर में भटकने का भूल ही जाएगा, भाव ही नहीं रहेगा, ऐसा अद्भुत तेरा निज घर है। कैसा है मेरा निज घर? ओहो ज्ञान भवन है तेरा, ज्ञान भवन। ज्ञान इसलिए कहा, वैसे तो चार मुख्य हैं उसमें, दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य। ये स्वचतुष्टय की दीवारों से तेरा चैतन्य महल बना हुआ है, तेरा ज्ञान भवन बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है, ये अनंत काल से है तेरा ज्ञान भवन। अच्छा लग रहा है कि नहीं ज्ञान भवन का सुनना, बोलो ना। अरे माता जी हमारा तो वैसे ही बंगला बहुत अच्छा है, यहाँ पर देखने आते हैं लोग, क्या देखने आते हैं लोग, वही विषय भोगी आते हैं ना, लेकिन चैतन्य महल में चला गया तो अनंत ज्ञानी तुझे देखेंगे, अनंत ज्ञानी देखेंगे कि वाह भाई धनी धन्य है जे जीव जिनने
पाए नरभव पाए यह कारज किया। अभी भी देख रहे हैं अनंत ज्ञानी तुझे, लेकिन क्या देख रहे हैं कि देखो ये पुद्गल के घर को अपना घर मान रहा है, हाँ, जिसमें से तुझे बांध बूंद करके एक दिन निकाल देंगे। जो तू बताता है ना कि मेरा घर कितना अच्छा द्वार, उसी द्वार से तुझे निकाल देंगे। कौन? जिसको तू अपना कहता है वही तुझे बांध बुंदा करके वहां से निकाल देंगे, कहीं उठ ना जाए, कहीं फिर घर में आ ना जाए, इसलिए बांध करके ले जाते। सोच ले, जिसको तू अपना कहता है सब पर है, सब पर है, विश्वास कर। अभी तो होता ही नहीं, कैसे होगा विश्वास, अभी तो मान ही नहीं सकते। और माता जी, अगर आज हमने घर जाकर के बोल दिया कि तुम सब पर आए हो, घर से निकाल देंगे हमें? भैया, कहने वाली बात नहीं है, बात मानने की है। मोक्ष मार्ग मान्यता से चलता है, कहने से नहीं चलता, मानने से चलता है। और इसीलिए सबसे पहले विपरीत मान्यता को बदलो, ये कहा है। मान्यता सम्यक बनाओ। हमारी झूठी मान्यता से ही हमारा संसार का परिभ्रमण हो रहा है। मान्यता बदल लो, सोच बदल दो, भाव बदले कि सब कुछ बदल जाता है। नजरे बदली कि नजारे बदल गए, दृष्टि बदली कि सारी सृष्टि बदल जाती है। वो सेठ की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, जिसने बहुत सारा चंदन इकट्ठा करके रखा था, चंदन का ही बिजनेस करता था, और उसके भाव खूब बढ़ गए। बड़ा खुश था कि अगर अभी मेरा चंदन बिक जाए तो माला माल हो जाऊंगा पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। लेकिन कैसे बिके? इतने में राजा की सवारी निकली वहां से, और वह सोच रहा था, ओह राजा आ गया, बड़ा खुश हो रहा था। और उसके मन में ऐसे भाव आ गए, राजा करीब में आया, सारे लोग अपने अपने घर से निकल करके राजा के पास में आकर के प्रणाम कर रहे थे, लेकिन वो सेठ प्रणाम नहीं कर पाया। वो उसी भावों में उलझ गया, ऊपर से खड़ा खड़ा देख रहा था, और वह उलझ गया, भाव ये उलझ गए कि राजा मर जाए तो मेरा सारा चंदन बहुत अच्छे कीमती भावों में बिक जाएगा और मैं माला माल हो जाऊंगा, मेरी तो सात पीढ़ी तर जाएगी, काश ऐसा हो जाए। और ऐसे दुर्भाव हुए, राजा का भी देखना हुआ, परिणामों का मिलना हुआ, और परिणामों का ऐसा अटैक हुआ कि उधर से सेठ सोच रहा है, इधर से वह राजा सोच रहा है, देखो अकड़ करके खड़ा है, सारे लोग नीचे आ रहे प्रणाम करने के लिए, और ये नीचे भी उतर करके नहीं आ रहा है। मंत्री, इसको फांसी की सजा देना है कल, मेरा मन कहता है फांसी की सजा के लायक है, उसको कल फांसी की सजा देना है, देख लो कौन है, क्या नाम है इसका। ठीक है राजन, अब मंत्री क्या कहेगा, जो राजा कहे वही मान्य है, ठीक है। लेकिन मंत्री बड़ा स्वाध्यायशील था, वो समझता था कुछ तो ऐसे भाव हैं जिसके कारण से राजा ने अचानक ऐसा बोल दिया, वरना राजा तो कभी बोलता ही नहीं था, आज ऐसा क्यों बोल दिया राजा ने। सोच में पड़ा, कुछ भावों का ऐसा झंकरण हुआ है जिसके कारण से ये राजा ऐसे विचार कर बैठा। खैर कोई बात नहीं, समय गुजरने दो, कल की बात है, अभी बीच में रात है, रात में पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, सोच रहा था। और उधर राजा जैसे ही वहां से निकला, थोड़ा आगे बढ़ा कि सेठ के अंदर इतना पश्चाताप हुआ, रे धिक्कार धिक्कार तुझे, तूने अपने प्रजापालक के बारे में इतना गंदा विचार कर लिया। एक पंचेंद्री जीव की हत्या के बारे में विचार करते हैं तो हमें कितना घोर पाप का बंध होता है, पंचेंद्री जीव की हत्या, उसका मरण हो जाना, और उसके साथ में उसके आश्रित रहने वाले कितने जीव है शरीर के अंदर, उनका भी मरण हो जाएगा। एक एक शरीर के अंदर दो इंद्री जीव है, एक लट है, तो उसके आश्रित रहने वाले और अनंत निगोदिया जीव है। ओहो, धिक्कार है, तूने अनंत जीवों के मरण के बारे में दुर्विचार कर लिया, धिक्कार है, प्रभो प्रभो, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। नहीं प्रभु, नहीं, पता नहीं कौन सा तीव्र पाप कर्म का उदय आया, मैंने ऐसा सोच लिया, राजा तो युग युग जिए, प्रभो युग युग जिए, धर्मात्मा न्याय प्रिय राजा है, युग युग जिए। गलत सोच लिया प्रभु, गलत सोच लिया। अब वो वहां से अपने
पापों का, अपने दुर्भाव का पश्चाताप कर रहा है। उधर से राजा के मन में भी पश्चाताप हो रहा है, रे 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 तूने कहा क्या सोच लिया, तूने कुछ गहराई से सोचा ही नहीं। हो सकता है उसके पीठ में दर्द हो, उसके कमर में दर्द हो, उसके घुटनों से नीचे न उतरा जाता हो, हाँ उसकी भी कोई मजबूरी होगी। वहां से उसने प्रणाम तो किया था, हाथ तो जोड़े थे, नीचे नहीं आ पाया तो क्या हो गया। हो सकता है कुछ परेशानी हो। तुम राजा हो तो मैं अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह देना चाहिए, न कि ऐसे जान से मारने की बात। अपने स्वार्थ लिप्सा से, तुच्छ स्वार्थ सिद्धि से, प्रसिद्धि के लिए मान कषाय के कारण धिक्कार हो तुमको, तुमने अच्छा नहीं किया। और मंत्री को बुलाया, उन्हें चैन नहीं पड़ी, रात को ही बुलाया और कहा, मंत्रीवर जो मैंने तुमसे कहा था, जो मैंने तुमसे कहा था उसको फांसी की सजा देना है, नहीं उसको रद्द कर दिया जाए। आखिर क्या कारण है, मंत्री सोचने लगा और उसको जाकर के पूछा कि तुमने कल राजा को देख करके कोई भाव किए थे। उसने कहा, मेरे भाव हो गए थे, मैंने किए नहीं थे, पर मेरे भाव ऐसे हो गए थे। होते नहीं हैं, बिना मन के भाव होते नहीं, ध्यान रखना। मन में आता है, फिर वचनों में भी आता है, काय में भी आता है। कुछ न कुछ तो हमारा पुरुषार्थ चलता ही चलता है। पूर्वकृत कर्म किए थे वो भी तो हमारा ही किया हुआ है, पूर्व में किए हुए कर्म वो भी तो हम ही नहीं किए हैं। मेरे दुर्भाव हो गए थे और ऐसे ऐसे भाव हो गए थे। मंत्री ने सोचा, देखो इसने सच बता दिया, माफ कर दिया उसे। और उधर से राजा के पास में जा कर के पूछा, राजन आखिर आपने ऐसा क्यों सोच लिया था। पता नहीं मेरे उस वक्त बहुत दुर्भाव आ गए, उस व्यक्ति को देख करके मेरे अंदर बहुत दुर्भाव आ गए कि उसको फांसी की सजा दे दूं। मंत्री समझ गया और इस घटना को देख करके उसके भीतर में वैराग्य हो गया। धिक्कार है इस संसार को जहां पर धन दौलत के पीछे ऐसे ऐसे दुर्भाव आ जाते हैं, राजा तक को मारने के भाव आ जाते हैं। धन दौलत से वह दूर होकर के, परिग्रह से मुक्त होकर के मुनि के वेश को धारण कर लेता है, दीक्षा को अंगीकार कर लेता है। एक के भाव दूसरे को कैसे संप्रेषण करते हैं, ये बात समझने की। इसलिए किसी के भी बारे में गलत विचार मत करना, है ना, आपको विचार ही करना है, शक्ति है आपके पास में विचारने की, तो सद विचार करो। मैं प्रभु प्रभुता को कैसे धारण करूं, मैं अपनी प्रभुता को कैसे प्रकट करूं, प्रभु वो शक्ति मुझ में कैसे प्रकट हो, ऐसी भावना करोगे तो तर जाओगे, अन्यथा संसार में ही भटकते चले जाओगे। अनंत काल से वैसे भी कम नहीं भटके हैं, कोई और छोर नहीं है, अब छोर पाना है। तो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज इसका पद्यानुवाद लिखते हैं, निकालिएगा। जो शुद्ध बोध व्रत दर्शन में समाता, होता निजी समय जीव वही सुहाता। रागाधिका रसिक वो निज को भुलाया, माना गया समय में समया पराया। क्या बात कही है, जो अपने आप को भुला देता है, पर समय में खो जाता है, संसार में भटकता है, प्रभु अब हमको भटकना नहीं है, तय कर लो, अब हम नहीं भटकेंगे संसार में, अब हमको भी निज की सुध आ गई है और निज की सुध लेना है। अहो भाग्य है, सौभाग्य है, महाभाग्य है तुम्हारा जो तुम्हें अपनी कथा को सुनने का भाव आ गया है। दो गाथाएं आज पूर्ण हुई हैं।